हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं नए सीरीज के साथ 101 टू 150 ऑफ एमसीक्यूज ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आई होप यू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एंड यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ने में कठिनाई हो या जिसे पढ़ना असंभव हो उसे क्या बोलते हैं। दिस इज द दीज आर द ऑप्शंस, इलॉजिकल, इलिजिबल, इन इलिजिबल, लीजिबल। द राइट ऑप्शन इज इलिजिबल। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी कि अच्छे भाग्य का जो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, ऐसा कुछ मिल जाने को उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, टर्नस्टाइल, विंडफॉल, फिलेंथ्रोपी एंड बेनेवोलेंस। द राइट ऑप्शन इज विंडफॉल। 103 क्वेश्चन देखिए, दोज हु गो ऑन टू समवन एल्स लैंड विदाउट द ऑनर्स परमिशन, कहा जा रहा है कि जो ऑनर के परमिशन के बिना किसी के लैंड पर, किसी के जमीन पर अधिकार जताने या पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डेलिंक्वेंट्स, ट्रेसपासर्स, ऑफेंडर्स, कल्प्रिट्स। द राइट ऑप्शन इज ट्रेसपासर्स। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, ऐसा चीज जिसे छीना नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, वो क्या हो सकता है। ऑप्शन है इन एलिनेबल, इडिबल, लेजिबल, नेचुरल। द राइट ऑप्शन इज इन एलिनेबल। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक कितनी तेजी से आई है उसको मेजर करने के, उसकी ताकत को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, सेल्सियस, न्यूटन, रिक्टर, लाइनियर। तो राइट ऑप्शन है रिक्टर। हम बहुत बार ज्योग्राफी में पढ़ भी चुके हैं कि अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे मेजरमेंट किया जाता है। आगे देखते हैं, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट, जो इवेंट हो चुका है उसके रिमाइंडर यानी कि यादगार के रूप में कोई चीज जो रखी जाती है उसे क्या कहते हैं। ट्रॉफी, सोविनीर, प्राइज, एंटी। द राइट ऑप्शन इज सोविनीर। वन हु प्रैक्टिस्ड वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट्स प्रैक्टिस करता है उसे क्या कहते हैं। पेंटर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, आर्किटेक्ट। द राइट ऑप्शन इज आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स पार्डन मींस होता है कोई जो गलती किया उसके लिए क्षमा कर देना। तो ऐसे ऑफेंडर्स, गलती करने वाले को जो पार्डन मिलता है उसे क्या बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें से आपको तलाशना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पार्ले, एमनेस्टी, पैरोल, अक्विटल। द राइट ऑप्शन इज एमनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 का, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ऐसा प्लेस जहां पर वाइन यानी कि शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। बेकरी, क्लॉक रूम, टेनरी एंड ब्रेवरी। द राइट ऑप्शन इज ब्रेवरी। द राइट ऑप्शन इज ब्रेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 का, अ पेपर रिटन बाय हैंड, एक पेपर जो हाथ से लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिया गया, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीवर्क, मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस। द राइट ऑप्शन इज मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मैन, मैन मीन्स यहाँ पे हैंड होता है, और स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे राइट होता है, तो हाथ से लिखा हुआ। तो आप इस चीज को रूट के थ्रू भी समझ सकते हैं। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, फिश एनिमल्स या जानवरों के चमड़े को प्रिजर्व करने को, संरक्षित करने यानी सुरक्षित रखने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, टैक्सोनॉमी, टैक्सीडर्मी, फिलोलॉजी, सिज्मोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज टैक्सीडर्मी। रिलेटेड टू मून, चंद्रमा से संबंधित, इसमें कौन सा वर्ड है। सोलर, मुनी, ल्यूनर, हनीमून। द राइट ऑप्शन इज ल्यूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी कि कोई कैप्टिविटी यानी कि किसी को कैप्चर में रखा गया हो उसको देने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिया गया है, रैंसम, कंपेंसेशन, ट्रिब्यूट, पेनल्टी। द राइट ऑप्शन इज रैंसम। रैंसम का हिंदी अर्थ होता है फिरौती, यानी कि जब कोई व्यक्ति का अपहरण किया जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए जो कीमत मांगी जाती है उस कीमत को क्या बोलते हैं, तो उसे हिंदी में फिरौती या इंग्लिश में रैंसम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 114, बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, प्रत्येक ब्रांच ऑफ नॉलेज की जानकारी देने वाली किताब को क्या बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पूछा गया, डायरेक्टरी, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, डिजर्टेशन। तो द राइट ऑप्शन इज इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ अ ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम,
कह रहे हैं कि ट्राइब्स का, ट्राइब मतलब जनजातियों का एक ऐसा सदस्य जो एक स्थान पर नहीं रुकता, वह स्थान स्थान पर भ्रमण करता रहता है, उसका कोई फिक्स होम नहीं होता, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखना है आपको, वेगावांड, नोमैड, वांडरर, ट्रुएंट। द राइट ऑप्शन इज नोमैड। नोमैड यानी कि इसको बोलते हैं घुमक्कड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिट टू बी चूजन, जिसे चूज करने के लिए फिट समझा जाए उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिया है, इलिजिबल, कैपेबल, सूटेबल एंड वैल्यूएबल। द राइट ऑप्शन इज इलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 पर आते हैं, एन एनिमल आर प्लांट लिविंग इन आर अपान एंड वर, एक पेड़ या जानवर जो किसी दूसरे पर आश्रित हो। एन एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अपॉन अंदर, एक जानवर या प्लांट जो दूसरे जानवर या प्लांट पर निर्भर करता हो उसे क्या बोलते हैं? मास्टर, डिपेंडेंट, इंसेक्ट, पैरासाइट। द राइट ऑप्शन इज पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रांग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच जो स्ट्रांग डिसलाइक्स होता है यानी घृणा होती है उसे क्या बोलते हैं? अवर्जन, एंटीपैथी, अपैथी, डिस्पेयर। द राइट ऑप्शन इज एंटीपैथी। यहाँ पे वर्ड आप देख सकते हैं, एंटी निगेटिव प्रीफिक्स होता है एंड पैथस मीन्स होता है पीड़ा, यानी कि जब दो लोगों का पीड़ा अलग अलग हो तो एंटीपैथी वहां पे वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के प्रति डिसलाइक्स की भावना होना। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस क्वेश्चन, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, होल ग्रुप ऑफ पीपल को मारने की जो एक्ट किलिंग है एक्ट है उसे क्या बोलते हैं? जेनोसाइड, जर्मिसाइड, पेट्रीसाइड, सुसाइड। तो जेनोसाइड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, एक रीजन में जो प्लांट्स लगे होते हैं या जो जंगल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? फौना, फ्लोरा, लैंडस्केप, एनवायरमेंट। तो द राइट ऑप्शन इज फ्लोरा। अगर यहाँ पर एनिमल की बात होती तो फौना हो जाता। दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, जो बिना विरोध के हो उसे क्या कहा जाता है? अनअवेयर, वर्डिक्ट, अनएनिमस, स्पॉन्टेनियस। द राइट ऑप्शन इज अनएनिमस। यहाँ पे एनिमोसिटी वर्ड ये एनिमी से लिया गया है, इसी से एनिमी वर्ड आता है, इसको हमको याद रखना है। एनिमी यानी शत्रु, तो कह रहे हैं अन एनिमस यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, जानवर जो पौधों पर निर्भर करते हैं यानी कि जो घास या पेड़ों को पत्तों को खा के जीवित रहते हैं ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, कार्निवरस, हर्बीवरस, इंसेक्टिवरस, ग्रैमिनी वर्स। द राइट ऑप्शन इज हर्बीवर्स। हर्बस ये वर्ड लिया गया है, हर्बस, हर्बस मीन्स होता है वेजिटेशन यानी कि जड़ी बूटी। 123, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, कई तारे जो एक समूह में रहते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑर्बिट, कंस्टेलेशन, सोलर सिस्टम, कॉमेट। द राइट ऑप्शन इज कॉन्स्टेलेशन। लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, बहुत कम समय के लिए रहने वाले को क्या कहा जाता है? लास्टिंग ओनली का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, लास्टिंग मतलब रहना, लीव करना यानी एग्जिस्ट रखना, तो उसे क्या बोला जाता है? बहुत कम समय के लिए रहने वाली चीजों को क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट, टेम्परल, टेम्पररी, टेम्परेट। द राइट ऑप्शन इज टेम्पररी। मर्डर ऑफ अ मैन, एक आदमी के मर्डर को क्या कहा जाता है? रेजिसाइड, फ्रेट्रीसाइड, होमिसाइड एंड जेनोसाइड। द राइट ऑप्शन इज होमिसाइड। वाई? क्योंकि ये होमी वर्ड होमस से आया है, होमो सेपियंस जो हम लोग बोलते हैं यानी कि ह्यूमन, इस चीज को हमको ध्यान देना है। तो साइड का मतलब टू किल होता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें ये आपको याद रखना है, होमस मीन्स होता है मैन, ह्यूमन बीइंग्स। यूज ऑफ फोर्स और थ्रीट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, किसी व्यक्ति पर वो दबाव डालना कि वह उसकी बात को मान ले, उसकी बातों पर सहमति दे, तो उस दबाव, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? कोएर्शन, कन्विक्शन, कन्फेशन, कैजोलमेंट। द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे जुआ खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग में होता है जुआ, जुआ खेला जाना यानी कि जुआ, जुआ का अड्डा, जुआ अड्डा जिसको बोलते हैं, तो इस चीज को हमको देखना है। चार ऑप्शन दिया गया है, अ होटल, कैसिनो, रेस्टोरेंट, थिएटर। द राइट ऑप्शन इज कैसिनो। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, यानी कोई किसी चीज का जो पोर्शन हो या कोई चीज ऑब्जेक्ट हो जिसे एक सैंपल के रूप में दिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन, स्पेक्टर, स्पेक्टिकल, स्पेसिमेन। द राइट ऑप्शन इज स्पेसिमेन। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। 129 क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, पॉपुलर वोट के लिए जो प्रपोजल रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलरिटी, रेफरेंडम। तो द राइट ऑप्शन इज
रेफरेंडम, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेट्समैनशिप, डिप्लोमेसी, हायाकी, प्रोटोकॉल। द राइट ऑप्शन इज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, किसी उच्च पद को त्यागना, रिनाउंस मीन्स त्यागना, अथॉरिटी और कंट्रोल, किसी उच्च पद को त्यागना, त्यागने को क्या कहा जाता है। यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं, एबडक्ट, अबैंडन, अबॉर्ट, एबडिकेट। द राइट ऑप्शन इज एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब होता है पद त्याग करना, पद त्याग। 132, टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर्स पीपल, दूसरे पीपल के अफेयर के विषय में, मामलों में बात करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उस बातचीत को क्या कहते हैं, टीजिंग, गॉसिपिंग, क्रिटिसाइजिंग, स्लैंडरिंग। द राइट ऑप्शन इज गॉसिपिंग। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो मेडिकल एग्जामिनेट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, इरेडिएशन, कॉर्प्स, ऑटोप्सी। द राइट ऑप्शन इज ऑटोप्सी। 134 क्वेश्चन, अ पर्सन बॉर्न और लिविंग एट द सेम टाइम एज अंदर, करें कि एक ही व्यक्ति के समय में दूसरे व्यक्ति का जन्म लेना या उसके समय में रहने को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, कोरोलरी, एक्सेसरी, कंटेम्प्रेरी, ऑक्सिलरी। द राइट ऑप्शन इज कंटेम्प्रेरी। 135 का क्वेश्चन है, बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसे सुधारा ना जा सके वह इतना बदमाश जो हो, तो उस शब्द के लिए क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल, इरिवोकेबल, इरिडीमेबल, इरिपेरेबल। 135 क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है इरिडीमेबल, जिसे सुधारा ना जा सके, इतना खराब हो जिसे सुधारा ना जा सके, सही रास्ते पर ना ला जा सके, उसको बोला जाता है इरिमेडिएबल। 136 क्वेश्चन, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, जो होना निश्चित है उसे क्या बोलते हैं, इनइविटेबल, इनविंसिबल, इनकोरिजिबल, इमेडिएट। द राइट ऑप्शन इज इनइविटेबल। इनइविटेबल इसका हिंदी अर्थ होता है प्रत्याशी, जिसका प्रत्याशा ना हो, यानी पहले से अनुभव ना है, यानी कि जो होने वाला है उसका कोई अनुमान ना हो, तो उसे इनइविटेबल बनते हैं, यानी कि अनुमानित। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के द्वारा बीमारी के जानकारी हासिल करना, उसको क्या बोलते हैं कि कौन सी बीमारी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, टेस्ट, पेरुजल, डायग्नोसिस, ऑपरेशन। द राइट ऑप्शन इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, यानी कि ये फाइंड करना कि कौन सी बीमारी है, उसके बाद ही डॉक्टर अपना इलाज कंटिन्यू करता है। 138, दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग। चार ऑप्शन दिया गया है, कवर, कैमोफ्लैग, प्रिटेंस, मास्क। द राइट ऑप्शन इज कैमोफ्लैग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 139 का क्वेश्चन, टू बियर अ हैंड, टू बियर अ हैंड इसका मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन दिया है, इंटरफियर, ज्वाइन, असिस्ट, रिजॉइस। द राइट ऑप्शन इज असिस्ट। टू बियर हैंड का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो मैं आपको यहां बता दूं, यहां पे जो चार ऑप्शन है तो यहां असिस्ट ही इसका राइट ऑप्शन होता है, तो टू बी अ हैंड मींस असिस्ट। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है, यानी कि जो व्यक्ति इन चीजों का जिम्मेदारी लेता है, एग्जामिनेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ऑफिशियल। द राइट ऑप्शन इज ऑडिटर। 141 क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, रैंक ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड मोनार्की। द राइट ऑप्शन इज ब्यूरोक्रेसी। 142, वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, रहें कि कोई जो बिना चार्ज लिए अपनी सर्विस करता है उसे क्या बोलते हैं, यानी कि कोई काम करे उसका चार्ज न ले, फिलेंडरर, वॉलंटियर, मर्सेनरी, मिशनरी। द राइट ऑप्शन इज वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वैच्छिक कार्य करने वाला। अ टैंक वेयर फिश या वाटर प्लांट्स आर केप्ट, करें कि एक टैंक जहाँ पे फिश या वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एवियरी, एक्वेरम, नर्सरी, सैनिटोरियम। द राइट ऑप्शन इज एक्वेरम। 144 का क्वेश्चन है, अवॉइडिंग वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड करने की प्रक्रिया क्या होता है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, मिनिमल, ऑप्टिमेशनल। 144 क्वेश्चन है, द राइट ऑप्शन इज इकोनॉमिकल। 145, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, करें कि किसी चीज पर पूरा अधिकार होना कि जो कोई इन्वेंशन हुआ है, जो कोई इन्वेंट किया गया कोई चीज, तो उसको बेचने का अधिकार पूरी तरह से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज, ऑथराइज, डीलरशिप, पेटेंट। द राइट ऑप्शन इज पेटेंट। 146 का क्वेश्चन देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसे क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 146, द राइट ऑप्शन इज बायोलॉजी। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, ऐसा व्यक्ति जो 100 ईयर्स से भी ज्यादा जीवित रहता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट, मेटेरियोलॉजिस्ट, डेमागॉग, सेंटेनेरियन। द राइट ऑप्शन इज सेंटेनेरियन।
डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को बंद करना, कैप्टिव करना या कन्फाइन करना, घेरे में रखना, ऐसे चीज को क्या बोला जाता है? इंटरप्शन, इंट्रोगेशन, इंटरमेंट, इंटरनमेंट। 148 का क्वेश्चन है, द राइट ऑप्शन इज इंटरनमेंट। 149, एन अंडरहैंड डिवाइस रिसॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, किसी मिसकंडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो डिवाइस या तरीका यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सटरफ्यूज, मैनुअर, स्ट्रैटेजम, कंप्लिसिटी। द राइट ऑप्शन इज मैनुअर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 150 क्वेश्चन, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, कह रहे हैं कि मैनकाइंड की जो जाति होती है उसकी साइंस को क्या कहा जाता है, यानी कि साइंस के अंदर किस नॉलेज के अंदर हम उसको पढ़ते हैं? तो जिनोलॉजी, इटियोलॉजी, एथनोलॉजी, सोशियोलॉजी। 150 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है एथनोलॉजी। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद।